रफा में इजरायली सेना के लिए हमला करना इतना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा खुद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं था। रफा आईडीएफ के लिए एक मौत का जाल बन गया है, जिसमें इजरायली सैनिक काल के मुंह में समा रहे हैं, और वहीं हमास के लड़ाके उनकी मौत बनकर परछाई की तरह उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। रफा में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे इजरायली सेना हांफने लगी है, और आईडीएफ की कमर तोड़ने के लिए गाजा के तमाम प्रतिरोधी संगठन एक साथ लामबंद हो चुके हैं, और वो बेहद ही चतुराई से आईडीएफ को घेर कर हमले कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में आईडीएफ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। दरअसल रफा के भीतर अलकासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ के ऊपर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से पहली बार हमला किया, जिसका अब वीडियो भी सामने आ चुका है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले अलकासिम के लड़ाके इजरायली सैनिकों के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी एपीसी वाहन की निगरानी करते हैं और फिर उसके ऊपर एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर देते हैं। आपको बता दें कि आईडीएफ का ये सैन्य वाहन मिस्र और फिलिस्तीनी बॉर्डर के पास तैनात था, जहां पर अलकासिम ने उसके ऊपर रेड एरो नाम के चाइनीज HJ-8 ATGM से हमला किया है। आम भाषा में इसे रेड एरो गाइडेड मिसाइल के नाम से जाना जाता है। हमास के वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अलकासिम का एक लड़ाका पहले लगातार आईडीएफ की निगरानी कर रहा है, और उसके बाद जैसे ही आईडीएफ का सैन्य वाहन उसके टारगेट पर आता है, वैसे ही वो उसके ऊपर रेड एरो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर कर देता है, जिसमें जोरदार धमाका होता है और वहां मौजूद इजरायली सैनिक भाग खड़े होते हैं। और इसी दौरान अलकासिम के लड़ाके एक बार में कई मिसाइलें एक साथ धड़ाधड़ फायर करने लगते हैं। इसके बाद वहां आईडीएफ का हेलीकॉप्टर मंडराने लगता है, जिसकी आवाज साफ सुनी जा सकती है। इसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है, जिसके ऊपर अलकासिम के लड़ाके रज्जूम रॉकेट से हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अलकुज ब्रिगेड ने भी इजरायली सेना के ऊपर रफा के अलशबोरा इलाके में एक बहुत बड़ा हमला किया है। यहां पर अलकुज ने आईडीएफ के दो मरकावा टैंकों पर हमला किया है। अलकुज ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि अलकुज का लड़ाका सामने से जा रहे आईडीएफ के मरकावा टैंक पर एकाएक आरपीजी रॉकेट फायर कर देता है, जिससे टैंक में जबरदस्त धमाका होता है। इसके बाद हमास के दो लड़ाके आईडीएफ के जब्त किए गए हथियारों को एक वीडियो में दिखा रहे हैं। वीडियो में आईडीएफ के कई राउंड्स कारतूस नजर आ रहे हैं, और इसी वीडियो में आगे आसमान में आईडीएफ का एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर भी अलकुज का एक लड़ाका रॉकेट फायर कर देता है। आपको बता दें कि इस वीडियो के अलावा अलकुज ब्रिगेड ने नेटजरी मैक्सिस का एक वीडियो जारी किया है, जो दक्षिण पश्चिम गाजा का है। अलकुज के वीडियो में एक लड़ाका पेड़ों के नीचे कंबल ओढ़कर लेटा हुआ दिख रहा है, और उसके बगल में एक रॉकेट लॉन्चर रखा होता है। अलकुज का ये लड़ाका कंबल में छिपकर रॉकेट फायर करता है, और उसके बाद तुरंत कंबल ओढ़ लेता है, और इस लॉन्चर को एक बोरी के नीचे लगाया गया है, जिसके ऊपर भी कंबल रखा हुआ है। इसके बाद अलकुज का एक लड़ाका किसी खंडर इमारत के भीतर से ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट फायर करता हुआ दिख रहा है। इसी वीडियो में आगे बाहर का नजारा दिखता है, जिसमें दूर घरों के आसपास लगातार धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती हैं।